Hey guys, how are you all? So, आज की ये वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे IGP क्वेश्चन पूछा है कि दी जो ब्लैकपिंक के मेंबर्स हैं, सभी मेंबर्स ने जिमिन के सॉन्ग को शेयर किया अपने IG पे एंड काफी कमेंट भी किया है ना जिमिन के सॉन्ग को, जिसमें जिमिन एंड तहियांग एक साथ थे, ओके? जो कि जिमिन का भी सोलो सॉन्ग आया है तहियांग के साथ, यस, उस सॉन्ग को। लेकिन यहाँ पे जितने भी मेंबर्स थे ब्लैकपिंक के, उन सभी ने जो है ना जिमिन को कुछ भी नहीं बोला, लेकिन बिग बैंग के जो मेंबर हैं उनके पोस्ट पे जाके उन्होंने कमेंट किया। एंड जब मेंबर्स ने बिग बैंग के जो तहियांग है उनके सॉन्ग को भी शेयर किया जो कि उन्होंने जिमिन के साथ बनाया है, तो बस उन्होंने उसी पार्ट को लगाया जिसमें तहियांग थे, जिमिन वाले पार्ट को उन्होंने नहीं लगाया। तो ऐसा क्यों? तो क्या जो मेंबर्स है ब्लैकपिंक की वो जिमिन का इंसल्ट करना चाहते हैं यहाँ पे? क्या वो ये कहना चाहती है कि जिमिन में टैलेंट नहीं है? पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि उन लोगों ने ना BTS मेंबर्स का बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं किया है। उन्होंने जिमिन को यहाँ पे क्रेडिट क्यों नहीं दिया, इसका बस एक ही रीजन है एंड वो रीजन है टॉक्सिक आर्मीज, ओके? बिकॉज आपको पता ही है अभी जब लिसा गई थी तहियांग के साथ, किम तहियांग के साथ पेरिस में, एंड वहां पे वो लोग एक साथ ही आए थे, तो जो काफी आप शिपर्स को देखोगे वो लिसा एंड तहियांग को शिप करने लगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जैनी को गलती से फॉलो कर लिए थे वी ने, तो जैनी को कितना ज्यादा हेट मिला। बल्कि मैं आपको अभी भी बोलूंगी कि वीडियो को देखने के बाद, अभी मत भाग जाना, वीडियो को देखने के बाद आप लिसा के पोस्ट पे जाना IG पोस्ट पे एंड कमेंट में देखना कि अभी भी आपको ये कमेंट तो देखने के लिए मिलेगा ही कि लीव अलोन तहियांग, कि लिसा को अभी तक हेट मिलता है, ओके? एंड ऑब्वियसली वीसू के बारे में किसको नहीं पता है, जीसू एंड वी को काफी ज्यादा शिप किया जाता है, यस। तो इन सभी वजहों के वजह से जो ब्लैक पिंक की मेंबर्स है ना, उन्होंने जिमिन को क्रेडिट नहीं दिया। हालांकि वो उनको क्रेडिट देना चाहती भी होंगी तब भी नहीं दिया, बिकॉज उन्हें पता है कि जो फैंस है वो कितने ज्यादा टॉक्सिक है, सभी नहीं लेकिन कुछ है, एंड बहुत कुछ गलत चीजें बोलते हैं, है ना, ना सिर्फ जैनी बल्कि तहियांग को भी। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली तहियांग ने जिमिन के सॉन्ग को शेयर किया। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी BTS मेंबर्स का जब सॉन्ग आता है तो सभी एक दूसरे के सॉन्ग को शेयर करते हैं, स्पेशली वी। चाहे आपने देखा होगा अगर जेहोप का भी सॉन्ग आया तो उन्होंने जेहोप के सॉन्ग को भी अपने IG स्टोरी पे शेयर किया था, जिनके सॉन्ग को भी अपने IG स्टोरी पे उन्होंने शेयर किया, सेम ऐसे ही उन्होंने जिमिन के सॉन्ग को भी शेयर किया। लेकिन इस पे भी आप ट्विटर पे जाके देखोगे तो काफी आर्मीज उन्हें शिप कर रही है कि जैनी एंड वी ने जिमिन के सॉन्ग को शेयर किया है अपनी IG स्टोरी पे, मीन समथिंग समथिंग, लाइक काफी जो माइंड है चलते हैं फैंस के। सो दैट्स द रीजन कि जो ब्लैकपिंक मेंबर है उन्होंने जिमिन को क्रेडिट नहीं दिया, ओके? यहाँ पे वो उनका इंसल्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने आप को बचा रहे कि वो ना उन हेटर्स के बीच फिर से ना फंस जाए जो कि उन्हें पहले से ही इतना एब्यूजिव वर्ड में बोल रही है, पहले से ही इतना हेट दे रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड यहाँ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना, एंड आप मुझे अपना ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में ब्लैकपिंक मेंबर ने BTS का इंसल्ट किया या मुझे नहीं लगता। वेल, थैंक यू, बाय।